इतनी सी तमन्ना करते हैं, क्या दामन जो तेरा आ जाए, क्या रे नहीं आता, जिससे सुख की कामना करते हैं कुछ सुख मिल जाता है, बाद दुख भी उसी से मिलता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज उठाकर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया नई इंपोर्टेड गाड़ी है, बहुत बढ़िया आराम, तीन चार साल के बाद जब वो घिस जाती है ना, जितना डेप्रिसिएशन होता जाता है। अब दूसरा कारण भी वही हो गया, क्यों रोज रिपेयरिंग जा रही है, पेट्रोल ज्यादा खा रही है। बहुत मुमकिन है उस समय हमारी फाइनेंशियली पोजीशन ठीक ना हो तो और भी बड़ी प्रॉब्लम, बेचो तो समाज क्या कहेगा, है अरे इसी हालत खराब हो गाड़ी निकाल दी, और नहीं निकाले तो रोज के खर्चे बढ़ जाते हैं। सुख दुख, जिससे सुख मिला है दुख भी उसी से मिलना है, इससे हम किसी में लिप्त ना हो, आसक्त ना हो किसी भी प्रति, तो ही इस काम से बच सकते हैं। चाहे मकान ले लो, बहुत सुख दे रहा है, लेकिन तीन चार बार कुछ साल के बाद रिपेयरिंग उसको भी चाहिए, कभी दीना गलत है, कभी रंग करवाना है, ये करवाना, जिससे सुख मिलता है दुख भी वहीं से मिलता है। अपने ही औलाद दे दे, बेटा बेटी कुछ भी दे दे, आज के जमाने में तो खास बचपन में उनकी प्यारी प्यारी हरकतें बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा सुख मिलता है। बड़े होकर जब वो सामना करते हैं तो कोई भी चीज उठा दे, इसलिए